नमस्कार, शुरुआत इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। वाराणसी में कौमी एकता दल ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को अपनी तरफ से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल अंसारी मौजूद हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान की बात चल रही है, उस पर बात करते हैं। अफजाल साहब, बनारस का जो चुनाव है, आपने क्या तय किया, आपका दल किसके साथ जा रहा है? एकता मंच है सात पार्टियों का। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने वाले थे, हम लोगों ने हटा लिया कि बनारस में मोदी आए हैं खुराफात कराने के लिए चुनाव लड़ने बाहर से। समर्थन किसको दे रहे हैं आप? हम लोग कांग्रेस पार्टी का वो कैंडिडेट जो मुकामी कैंडिडेट है। इन दोनों बाहर से आए हुए मुसाफिरों का टिकट कटवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के मुकामी कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं। अजय राय के समर्थन आप कर रहे हैं? हाँ। इतना लंबा वक्त आपने क्यों लिया, आप लगातार वेट करते रहे और आपकी बातचीत अजय राय से पहले भी चल रही है? आप हमको बताइए, मुझे मालूम नहीं किस तारीख में सिंबुल अलर्ट हुआ है, पर अजय राय साहब की बातचीत चल रही है। सिंबुल अलर्ट किस तारीख पर? बातचीत अजय राय साहब की चल रही है। 22 तारीख को सिंबुल हुआ, 29 तारीख को ऐलान कर दिया, विलम्ब कहाँ हुआ? बात आपकी अजय राय से हुई है या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हुई है? मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने समर्थन के लिए अनुरोध किया था, मैंने भी महसूस किया, हमारे एकता मंच के साथियों ने महसूस किया कि आखिर अंतोगत्वा दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ही मोर्चा लेगी। राहुल जी की ओर से कुछ आपको संदेश दिया गया इस बारे में? अब जी या प्रियंका जी की ओर से? हम नहा करेंगे नन्ना करेंगे। से बात हुई है? हाँ हुई है। आपकी बात हुई है? जी हाँ। अजय राय से जो एक बात कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की बड़ी पुरानी दुश्मनी है, आप लोगों का भी बड़ी नाराजगी रहती थी, सब बुला दिया आपने इस मौके पर? मैंने कहा कि व्यक्तिगत हित से ऊपर है बनारस का हित। ये दो मदारी जो बाहर से आए हैं दमड़ू बजा के यहाँ की जनता को फंसा रहे हैं, ये चुनाव के 5 दिन के बाद टाटा बाई बाई कह करके जाने वाले हैं दोनों, तो हम लोग स्थानीय जो है उसको ताकत देने का काम कर रहे हैं। फिर 4 महीने में चुनाव होना है, ये दोनों चले जाएंगे, जीतने वाला भी हारने वाला भी, तो हम यहाँ वाले कैंडिडेट को क्यों न जिताएं, इनका टिकट पहले ही क्यों न कटा दें। आखिरी सवाल है कि प्रियंका गांधी बड़ा इंटरेस्ट ले रही है यहाँ के चुनाव में, तो प्रियंका से कोई बात तो आपकी हुई होगी? अच्छा, अगर प्रियंका से बात भी हुई होगी तो हम आपको काहे को बताएं? आप हमको नहीं, आप हमको नहीं, हमको नहीं, आप जनता के लिए, आप यहाँ जनता को एड्रेस हम काहे को बताएं? हम बताएंगे, बात हो गई तो आप उससे जाके पूछिएगा, आप बतियाई थी अफजाल साहब से, क्यों फंसा रहे हैं भाई, बात हो गई है, हम लोगों की बात है। आप इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि आपकी बात राहुल या प्रियंका? हाँ, नेताओं की हो सके, हमारे बाप दादा कांग्रेस में रहे। डॉक्टर मुख्तार अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1926-27 में, उस समय पंडित नेहरू महासचिव हुआ करते थे। जी सर, अफजाल अंसारी इस बात को एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन देंगे, इस बात को साफ तौर पे नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस और कि कांग्रेस में किसने संपर्क किया, दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं, राहुल और प्रियंका के नाम पर ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बनारस की जो राजनीतिक लड़ाई है ये बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। कैमरा मनोज ओझा के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, बनारस।